तो गुरु देख सकते हैं ये एक पिकअप पलट गई है, बहुत मतलब बीच रोड पे एकदम सिर्फ एक गाड़ी जाने का जगह है। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो पिछले वाली वीडियो हमने यहीं पे एंड की थी, अपना लोडिंग पॉइंट है ये, यहाँ से तो गाड़ी लोड होगी नहीं और चलेंगे हम लोग खेत में लोड करने, क्योंकि माल अब कम हो गया है, आपको भी पता है। 25-30 मिल रहा है बस, मतलब 25x30x या फिर 35, बहुत ज़्यादा ज़्यादा 40, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो पिछले वाली वीडियो हमने एंड करके एडिट करके अपलोडिंग पे डाल दिया है, अभी वो वीडियो अपलोड हो रहा है। तब तक हम अभी नींद नहीं लग रहा यार, तो फिर फ्रेश हो गए, मुंह धोए, मस्त नहा तो सकते नहीं क्योंकि कपड़े गाड़ी में लेके आए नहीं है, तो फिर दातुन वातुन करके मस्त फ्रेश फ्रेश हो गए हैं। अब चलते हैं, सामने खेत है दिखाते हैं, उसमें कुछ चना है तो चना कबारेंगे खाने के लिए। फिर मिलते हैं आप सभी से चने के खेत में। तो गुरु ये है चने का खेत, ये रहा चना, टमाटर और चना साथ में लगाया जाता है ताकि जब ख़त्म हो जाए है मान लो इसमें, तो अपन काम भर देखते हैं एक आध पेड़, बस इतने में अपना हो जाएगा, इतना लिए हैं, खाएंगे आराम से इसको। चलिए पहले चना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली अपनी गाड़ी हो चुकी है लोड, ये देख सकते हैं आज भी कम माल लोड हुआ है, 35 हुआ है, अंडर लोड ही है गाड़ी। 35 मतलब 15 मतलब हाँ अंडर लोड है गाड़ी मेरी, ओवर लोड नहीं है। तो फाइनली लोड करके थोड़ा सा अपने से लोड कराया हूँ, हाथ से खून निकल गया पता नहीं क्यों, देख सकते हैं लगता है वो रस्सी लग गया बांधने में, कोई बात नहीं उतना होते रहता है। यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से आगे, कुछ खाते पीते क्योंकि भूख लगा है। हाँ चलिए चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आगे। तो गुरु फाइनली अपनी गाड़ी खाली हो चुकी है, ये देख सकते हैं। अब मंडी आया था मैं रात को तकरीबन 3:30, तो वीडियो बनाया नहीं, सो गया क्योंकि नींद लग रही थी बहुत तेज, आलस का महीना चल रहा है भाई, बहुत नींद आ रहा है। तो चल रहे हैं हम लोग भाड़ा लेने, गाड़ी वो रही अपनी खाली हो ही गई है, अब कल का भी भाड़ा नहीं मिला है, वीडियो में बताया ही था कल वाले कि अपने को भाड़ा उन्होंने भेजा नहीं, तो अभी आज चल के वही भाड़ा लेंगे उनसे और देखते हैं 2 दिन का भाड़ा। और अजय भी अभी आज साथ आए हैं, कल रात को गाड़ी लोड करके जब निकलने के बाद जो है गए अजय भैया के घर, अजय भैया को भी लेके आए, अजय भैया हमारे व्यापारी हैं, अगले वाले वीडियो में आपको दिखाया ही था। तो उनको जो है वो भी दुकान पे बैठे ही हैं। तो चलता हूँ पहले भाड़ा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो गुरु अपन भाड़ा लेने जा रहे थे, अपने को दिख गया लस्सी, ये देख सकते हैं। तो लस्सी पीने का इच्छा किया क्योंकि सुबह सुबह भी कुछ खाया पिया है नहीं, यही लस्सी है, लस्सी पियेंगे और उसके बाद भाड़ा लेंगे, अभी पहले लस्सी पीते हैं फिर चलते हैं भाड़ा लेने। तो गुरु फाइनली मंडी से निकल चुके हैं अपन, बच गया है आज 1 और लोडिंग भी करना है, तो चलता हूँ आज तो मैं नहीं जाऊँगा, 2 दिन हो गया, अब ड्राइवर जाएंगे मेरे। तो यहाँ से अभी तो निकल चुका हूँ, 1 बज रहा है, गोरखपुर मंडी से बाहर निकला हूँ, यहाँ से चलूँगा, गाड़ी दूंगा ड्राइवर को और लोड करके, या फिर वैसे ही उनको बुलाऊँगा वो आ जाएंगे, उनको गाड़ी दूंगा वो लोड करके आएंगे और मैं घर चले जाऊँगा। अब आज और कल 2 दिन ड्राइवर मार लेंगे अपना 2 चक्कर, होली भी है तो काम हो जाएगा उनका। चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ दोहरी घाट, मतलब बड़हलगंज हूँ अभी, बहुत लेट हो गया, 3:30 बजने वाला है अभी यहीं, देखो कब पहुँचता हूँ, कब लोड करता हूँ, कब क्या होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा यार। अभी एक कोल्ड ड्रिंक वाले से झगड़ा हो गया, मतलब 15 रुपये की कोल्ड ड्रिंक और 5 रुपये ठंडा करने का ले रहे लोग, MRP से ज़्यादा किसी को बेचने का कोई हक ही नहीं है, पर उसके बावजूद भी ये लोग लूट मचा रखी है भाई, अपना इंडिया सच में मतलब क्या ही बोलना, छोड़ो। तो अभी देखो यहाँ से चलेंगे अपन, जो है कि लोड करेंगे और ड्राइवर हमारे आएंगे। लेजी लेजी फील हो रहा है, चलिए यहाँ चलते फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो ये दोहरी घाट पुल के पास जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, नहीं भी बढ़ रहा है, ये बस वाला तो एकदम क्या ही बोले इसको हम, छोड़िए। तो चलिए यहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से आगे कहीं कुछ खाते हुए, क्योंकि लगा है मुझे बहुत तेज भूख, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, वही लस्सी पिया था बस वही। तो गुरु फाइनली पहुंच गए हैं अपन पेट्रोल पंप पे, अपने को डीजल डलाना है, तो देखते हैं पहले आज कितने का डीजल आता है, डीजल डलाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से।
रुको रुका हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से वही लस्सी पिया था, कुछ खाया नहीं था। अभी आजमगढ़ क्रॉस हुआ हूँ, आजमगढ़ क्रॉस होकर खाना खाने के लिए रुके हैं। अब खाना वाना खाऊँगा यहाँ से, क्योंकि 5 बज गया है यहीं पे। देखते हैं कितना बचता है। आई थिंक 7:15 बजेगा मुझे जाते जाते, तो पहुँचूँगा। ड्राइवर वहाँ आ जाएंगे और उनको गाड़ी दे के फिर अपन चलेंगे घर। कल और लोड होगी एक दिन गाड़ी, 17 को खाली होगी, 17 को घर आ जाएंगे, फिर 18 को होली है और 19 को टूटेगा नहीं, 20 से फिर अपना काम कंटिन्यू होगा। और 20 से हो सकता है तो अपना अंबिकापुर भी चालू हो जाए। अंबिकापुर चालू है कटहल, पर वो दूसरे का भाड़ा है। देखो दूसरे के भाड़े में मेरा क्या दिक्कत हो जाता है, आप सबको पता है कि दूसरे को फ़ोन करो, दूसरे का भाड़ा मतलब किसी और के थ्रू भाड़ा लेता हूँ, मेरा डायरेक्ट पार्टी से अंबिकापुर में नहीं है मेरा, तो इसके लिए दूसरे को फ़ोन करो, दूसरा मना कर देता है। उसको भी भाई और लोगों की गाड़ियाँ भेजनी होती है, जैसे मैं भेजता हूँ, पहले मेरी भेजूँगा, फिर जो मुझे अच्छी लगेगी मीडियम जाएगा, फिर उसके बाद कोई जाता है। तो ऐसे सबका अपना होता है, तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए अब 20 के बाद खीरा चालू होगा, तो फिर अपना खीरा जो है लेके चलेंगे। तो पहले खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं, सभी से बातें करेंगे खाना खाने के बाद। तो गुरु फाइनली अपना खाना हो गया फिनिश, आ गए अपन अपने गाड़ी के पास। आगे गाड़ी में यहाँ से निकलते हैं, फिर बातें करते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु एक पिकअप पलट गई है। हाँ, मैं पिकअप के पास जा तो ज़रूर रहा हूँ, पर इनके जो ऑनर थे, जो ड्राइवर थे, उनसे बात मेरी हुई थी मेरे गाड़ी के पास ही। मैं गाड़ी रोका था तो उनसे बात कर लिया था, तो चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने सारा कुछ मेरे को बता दिया, तो ये देख सकते हैं। इन्होंने एशियन पेंट लोड किया हुआ था, बनारस से लोड करके जा रहे थे आजमगढ़, और आजमगढ़ से लालगंज और आजमगढ़ के बीच मतलब पड़ता है लालगंज, वहीं पे ये गाड़ी पलटी हो गई इनकी। पलटी कैसे हुई वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूं मैं। ये पहले देखिए, ये पेंट बहुत हार्ड क्वालिटी का पेंट है, तो ये जो है कि पेंट था पलट गया, पेंट उठवा के उन्होंने वो कर दिया। आपको बताता हूँ कैसे पलटा था। इसका नीचे का ये झोंका देख रहे हैं आप, ये देखिए टूटा हुआ है। ये पहले क्रास है, क्रास फेंक दिया है ये, मतलब क्रास फेंका क्यों था वो भी बता देता हूँ। ये इधर देखिए क्या बोलते हैं कि ये बगल में झोंका है, ये देखिए ये झोंका है, जो ये तोड़ा और गाड़ी जो है चक्का जो है कुछ का थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। जब झोंका तोड़ देगा तो चेचिस से कमानी छोड़ देता है, पट्टा छोड़ने के बाद इधर हो जाता है, तो फेंक देता है क्रास। और आगे की भी दोनों कमानी देखिए तोड़ दिया है, मतलब मेन जो था मेन पत्ता तोड़ दिया है आगे से भी। तो वो तो ये डिवाइडर पे चढ़ाया उन्होंने, डिवाइडर पे चढ़ा के पलटा दिया कंट्रोल करने के चक्कर में, क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी और जो है कि उधर क्या बोलते हैं अपना वो था, वहीं से मतलब गड्ढा था। तो गुरु देख सकते हैं यही है, ये हुआ यूँ था ना कि इसका झोंका जो मैंने बताया था, झोंका इसका फेंक दिया, झोंका फेंकने की वजह से इसका क्रास जो है वो मतलब क्रास मीन्स सापट क्रास जो बोल लें वो फेंक दिया, और एशियन पेंट लादे हुए थे ये, देख सकते हैं। तो इसी में ये हुआ है। पर चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्योंकि अपने को जाना है, लोडिंग करना भी है, तो यहाँ चलते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से। तो गुरु देखा आपने कैसे क्या हो गया। मतलब उन्होंने ना वो झोंका जो है वो बोल रहे थे, बट झोंका उसका पहले तोड़ा था। झोंका तोड़ने का रीज़न ये है कि उन्होंने उसको टाइट नहीं कराया था, क्योंकि टाइट नहीं कराने पे ही झोंका धोखा देता है। झोंका इन्होंने टाइट नहीं कराया था और जो है कि वो गड्ढे में, वहाँ पुल पे गड्ढा है, गड्ढे में खुदाए और तोड़ दिया, तो चक्का जो है वो टेढ़ा हो जाता है, एक आगे एक पीछे डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा ये वाला शोल्डर पीछे है और ये वाला शोल्डर आगे है, तो ऐसे हो जाएगा तो सापट जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो फेंक देगा। तो सापट फेंक दिया और गाड़ी अनकंट्रोल हो गई, क्योंकि सापट फेंकने के बाद गाड़ी चलेगी नहीं, अलग स्पीड पकड़ लेगी, सापट तो है नहीं, दोनों सब अलग अलग हो गया, तो कंट्रोल नहीं हो पाया और उसमें जाके डिवाइडर पे चढ़ा दी और पलट गई। तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं, मतलब निकल ही चुके हैं, मिलता हूँ आप सभी से आगे। गुड मॉर्निंग सभी को, महादेव। अभी हम घर पे हैं, क्योंकि रात हो गया आने में, वहाँ से 1 बजे निकले ही थे, 7:30 बजे के आसपास पहुँचा और गाड़ी लोड किया, लोड करके ड्राइवर को दिया, देने के बाद फिर बाइक से आया घर पे। घर पे आते आते मुझे बज गए तकरीबन 10 बज गया, 10 बजे खाना वाना खा के उठा हूँ, अभी सोया, फिर अभी उठा हूँ, सुबह के बज गए हैं 7, सुबह हो गई है।
तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।